कोई दुराई नहीं है। अभी अभी जो कल रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, जिस हिसाब से भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है, लोगों का साथ मिला है, तो अब शीघ्र ही आने वाले चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं, तो उसमें बिल्कुल यही दोबारा दोहराएंगे, यही रिजल्ट दोबारा बिल्कुल दोहराए जाएंगे। लोकसभा में आम जन ने, लोगों ने इस नीति को समझकर वोटिंग की। लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी की जो नीतियाँ वो और हमारे स्टेट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों को अनुसरण करके और वोटिंग करी है। क्या आपको लगता है इन इलेक्शनों को देखते हुए विपक्ष को कहीं फेरबदल की जरूरत है? विपक्ष तो रहा ही नहीं ये देश में। विपक्ष की देखो अब इनकी ये स्थिति है, भी लीडर ऑफ ओपोजिशन भी नहीं होगा लोकसभा में, जिन जो इनके मात्रा ही उस हिसाब से तो लीडर ऑफ ओपोजिशन भी ये नहीं हो सकते, तो इनको नीति क्या, इनको तो सारा कुछ ही बदलना पड़ेगा। आप हरियाणा विधानसभा के इलेक्शनों में अगर हम लोग बात करें तो आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए जी, अभी तो मैं तो किसी को प्रतिद्वंदी मानता नहीं हूँ। जिस भारी अंतर से यहाँ पे सारे हरियाणा में जीत हुई है और खास करके यहाँ पे इलाहाबाद में 35,000 से ऊपर वोटों से भाजपा जीती है, किसको कोई नहीं। अब जैसे विपक्ष ने देखा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए उसके बाद में क्या स्थिति रहेगी? जैसे यूपी में जो हाल हुआ है वही दोबारा यहाँ पे हाल होता, जो महागठबंधन वहाँ पे यूपी में बना के इन्होंने देख लिया, बेशक हरियाणा में बना ले तो भी इनका कुछ नहीं बट रहा। तो आप पूरे बिल्कुल जो सही तरीके से तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है जी, बेशक कल दोबारा ढोलकी मांड दें, देसी भाषा में जो कहते हैं, कल दोबारा वोटिंग मशीन रख लें, हम तो कल ही तैयार हैं।